कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज आज है मंडे और आज मैं अपनी इस वीडियो को आप लोगों के साथ शूट कर रही हूँ मॉर्निंग में। अभी जो टाइम हो रहा है मॉर्निंग का वो हो रहा है 11, मॉर्निंग तो नहीं नून होने वाला है, बट मैं अभी जस्ट नहा धो के फ्री हुई हूँ और आप लोगों ने देखा ही होगा कुछ देर पहले मैं चाय वगैरह पी रही थी। तो बस नहा धो के उतना ही होता है, घर का काम करके टाइम लग जाता है। तो अभी मैं करने जा रही थी अपना स्किन केयर, जो मेरा रूटीन स्किन केयर है उसे मैं करना जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले जो मैं अपने स्किन पे, अभी तो मेरा स्किन बिल्कुल देख सकते हैं ड्राई हुआ है, तो अभी जो मैं अपने स्किन पे सबसे पहले यूज़ करती हूँ वो है ये रोज़ वाटर गुड वाइब्स का। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। बहुत अच्छा ये रोज़ वाटर काम करता है हमारी स्किन के लिए और बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं इस रोज वाटर को 5-6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं इसमें इतना सा बचा हुआ है। अभी मैं इसे दोबारा परचेज करूँगी, दोबारा लूँगी, बहुत अच्छा मुझे ये लगा। बस इसे हमें कुछ करना नहीं होता है अपने फेस पे, देख सकते हैं आप लोग। कुछ देर हम ऐसे ही वेट करेंगे, उसके बाद हमें रोज वाटर मैंने लगा लिया है। अब जो मैं फेस पे अप्लाई करूंगी वो है बायोटिक का सनस्क्रीन, यानी कि गाइस अभी मैं यूज करूंगी बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर्स विजिबल फ्लेवनेस सन प्रोटेक्टर, यानी कि ये मैं जो मॉइस्चराइजर है उसे भी अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। तो आप लोग देख सकते हैं ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर है और इसकी जो ये बॉटल है वो इस तरीके की होती है और इसका जो ऊपर कैप है ये ऑरेंज कलर में है। पहले मैं इसे लगाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ उसके बारे में। तो देखिए कुछ थोड़ा सा ही मुझे लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ऐसे पुश करके हमें इसे लेना होगा। देखिए आप लोग, मैंने इतना सा लिया है, अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। वाओ गाइस इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। सो गाइस इतना ही मैं अपना मॉर्निंग स्किन केयर करती हूँ, इतने ज्यादा नहीं करती हूँ। और अब मैं अपने होठों पे लिप बाम लगाऊंगी निविया का, ये चेरी शाइन में, जो मैं आप लोगों को, आप लोग मोस्टली मेरी वीडियो में देखते होंगे, मैं इसी को यूज करती हूँ ज्यादातर। तो इतना ही मेरा मॉर्निंग का अपना फेस, तो गाइज इतना ही मेरे मॉर्निंग का स्किन रूटीन रहता है। इससे ज्यादा मैं अपने फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ और आप लोग देख सकते हैं इस मॉइस्चराइजर को जो मैंने लगाया बहुत ही हमारे फेस को ये आप लगा सकते हैं बेबी सॉफ्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारे फेस को ये कर लेता है। आगे आप लोगों को इस प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ, इसी वीडियो में दूंगी। तो मैं आपको कुछ कुछ इसके बारे में बता दूं गाइज, आप लोग अगर विंटर में इसको यूज़ करते हैं ना गाइज, एकदम बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है। ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रखता है, हमारी स्किन को ग्लोवी बनाता है अगर हम लोग विंटर में इसे यूज़ करें। आप लोग सोचेंगे कि अब तो समर आने वाले हैं और मैं आप लोगों को अब इसका रिव्यू दे रही हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ऑयली स्किन वालों के लिए विंटर में ये ठीक है, लेकिन अगर ऑयली स्किन वाले इसे समर में लगाते हैं तो उनकी स्किन इससे और ज़्यादा ऑयली हो जाती है, क्योंकि ये क्रीमी सा है और ऑयली स्किन वालों के लिए ये बिल्कुल भी समर में अच्छा नहीं है। लेकिन समर में जिन लोगों का फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है उन लोगों को ये मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज करना चाहिए। ये मॉइस्चराइजर एज सनस्क्रीन भी है, आप लोग इसे यूज़ जरूर कर सकते हैं। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उन लोगों के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इसे। तो चलिए अब मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आप लोगों को इसका सीधा रिव्यू देती हूँ, तो आप लोग भी देखिए इसका रिव्यू। तो गाइज मैं बात कर रही थी बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर्स विजिबली फ्लेवनेस सन प्रोटेक्टर के बारे में। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा ये हमारे फेस पे वर्क करता है।
गाइज, अगर आप लोगों को नहीं पता कि बायोटिक कौन सा ब्रांड है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक आयुर्वेदिक रेसिपी है, यानी कि ये एक हर्बल ब्रांड है। तो गाइज, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि इस मॉइस्चराइज़र को मैंने 2-3 महीने से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, जब से विंटर स्टार्ट हुए हैं, और मुझे काफ़ी इसका अच्छा फ़र्क लगा। मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा वर्क करता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, इसका रिव्यू आप लोगों को दे दूं, कि ताकि आप लोग भी इसे परचेज कर लें, अपने लिए ले लें। तो गाइज, ये एक मॉइस्चराइज़र का काम करता है, और आप लोग देख सकते हैं इस पे लिखा ही हुआ है ये ऑल स्किन टाइप है, यानी कि इसे कोई भी स्किन वाले लगा सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताई दिया है कि विंटर में ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेटर है, लेकिन समर में अगर ऑयली स्किन वाले इसे यूज़ करते हैं तो तब उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा गाइज, आप लोग ये देख सकते हैं ये 100% आयुर्वेदिक है, और ये UVA और UVB दोनों के ही सन के रेस से हमारी मदद करते हैं, यानी कि हमारे फेस की मदद करते हैं। और गाइज, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो है 199। बहुत सस्ते में आप लोगों को ये मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइज, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 120 ml, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसकी जो गाइज हमें सेल्फ लाइफ मिलेगी वो मिलेगी 3 ईयर की। इसके अलावा गाइज, इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमारी स्किन को व्हाइटनिंग करने के लिए अच्छे होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें घृत कुमारी पल्प्स, मेथी सीड, मधु, अंकुरित गेहूं ऑयल, कुसुम्बी ऑयल, चिनाई घास जेल, मूंगफली ऑयल और प्योरीफाइड वाटर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हुए हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही साथ गाइज, आप लोगों को किस तरीके से इसे यूज करना है वो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गाइज, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो है नेक्टर्स। नेक्टर्स फ्लावर से प्रोड्यूस होता है, ये हमारी स्किन को व्हाइटनिंग नरिश करता है। बाकी गाइज, आप लोग देख सकते हैं इसमें प्योर हनी भी है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और भी इसमें कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। बाकी गाइज, इसमें बहुत सारे ऐसे नेचुरल ऑयल भी होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो कुछ इसी तरीके का ये हमें मिलता है गाइज। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ गाइज, तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे ये एक बॉक्स में मिला था, वो बॉक्स अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ इसी टाइप का ये मिलता है, बस बाहर इसका एक बॉक्स होता है। और अगर आप लोग इसे कहीं अगर आप लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप लोग इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं होगी कि अगर आप लोगों के पर्स में या बैग में ये ऐसा टेढ़ा हो जाए तो इसकी ये जो अंदर की क्रीम है वो बाहर निकल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी जो क्रीम है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है, और इसका जो ये आप लोग ये ढक्कन देख सकते हैं, बहुत ही मजबूत ढक्कन है। चाहे आप लोग इसे ऐसे भी पुश करने की कोशिश करें तो ये वैसे क्यों वैसा ही रहता है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया गाइज ये बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, जिसे हम सनस्क्रीन भी कह सकते हैं, ये सनस्क्रीन का काम भी करती है। देखिए, सनस्क्रीन ही है बट मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन दोनों चीज़ों का काम कर सकती है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, और बहुत कम प्राइस में गाइज हमें ये मिल जाता है। आप लोग भी अपने लिए इसे परचेज कर सकते हैं, मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाके अपने लिए परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, देखा ना आप लोगों ने उस मॉइस्चराइजर का रिव्यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा रिव्यू। तो चलिए गाइज, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।